Like a hell cut. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ का जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, 2016-17-18 के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आज जो ट्रिग्नोमेट्री के बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं 2019 यानी कि लास्ट ईयर जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चन CBSE में पूछे गए हैं, ये उत्तराखंड बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। दोनों चारों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ट्रिग्नोमेट्री का। अब जैसे ही ये वीडियो हम ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट करते हैं उसके बाद मैं जस्ट अगला जो वीडियो लेकर के आऊँगा वो हम किसी दूसरे चैप्टर पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रीवियस ईयर्स पे ही जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आप देखिए, इसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा सेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन। तो ये वन बन गया। और क्या क्या बच रहा है देखिए आप, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये दो टर्म प्लस टू साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। और लास्ट टर्म एक ये बचा हुआ है, टू कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। तो ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू प्लस टू। टू प्लस टू प्लस वन कितना हो गया, ये फाइव हो गया। बाकी क्या बच रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, ऐसे ही वन प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और आपको राइट हैंड साइड इसकी मिल जाएगी, फाइव प्लस वन, ये cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, वन प्लस cot स्क्वायर थीटा। और sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। फाइव प्लस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, सेवन प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए राइट हैंड साइड यही हमको प्रूफ करनी थी इस पहले वाले न्यूमेरिकल में। तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, फिर से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं इसकी। देखिए वन प्लस कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कोसेक ए क्या होता है, वन अपॉन साइन ए। वन प्लस टैन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। और सेक ए क्या होता है, वन अपॉन कॉस ए। साइन ए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन। और सेकंड टर्म का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, ये भी क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। इस पूरे टर्म को एक टर्म मान लेते हैं, इस पूरे टर्म को एक टर्म मान लेते हैं, सेकंड टर्म सॉरी ये प्लस है। देखिए अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस वन अपॉन क्या हो गया, साइन ए कॉस ए।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन, वन प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस वन अपॉन साइन ए कॉस ए, ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर टू। और आप देखिए यहाँ पे क्या प्रूफ करना था हमको राइट साइड में, टू। तो ये सीबीएसई के 2019 यानी कि लास्ट ईयर के दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ट्रिग्नोमेट्री के। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को देखिए आप। इस क्वेश्चन में देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड को फिर से राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो एलसीएम ले लेते हैं हम इसमें। एलसीएम देखिए कितना आएगा, वन प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन वन प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, तो कितना हो गया टू प्लस टू कॉस ए, वन प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, टू कॉमन आ रहा है इसमें, अंदर क्या बचेगा वन प्लस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा टू अपॉन साइन ए, और टू वन अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक ए। तो ये थर्ड वाले न्यूमेरिकल का आपका आंसर हो गया। अब लास्ट न्यूमेरिकल देखिए, जो लास्ट फोर्थ न्यूमेरिकल है, टैन ए प्लस बी कितना है रूट थ्री, और टैन की वैल्यू रूट थ्री कब होती है, टैन की वैल्यू रूट थ्री होती है कितने में, टैन सिक्सटी पे। तो ये दोनों को अगर हम इक्वल रखेंगे तो टैन हट जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिक्सटी, इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड इक्वेशन आप देखिए, टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है वन अपॉन रूट थ्री, और टैन की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री कितने में होती है थर्टी पे, तो फिर से टैन हट जाएगा, ए माइनस बी कितना आ जाएगा थर्टी। दोनों इक्वेशन देखिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी, ए माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी, दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए आप, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, टू ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा नाइन्टी, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। इस ए की वैल्यू को आप यहाँ रखिए, 45 प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15, तो ए की वैल्यू 45, ए बी से बड़ा भी था और ए की वैल्यू बी से बड़ी आ भी रही है। तो ये आपका फोर्थ न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, जितने हम प्रीवियस ईयर्स के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बोर्ड्स के कर चुके हैं, इनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो से हम चैप्टर को चेंज करेंगे और किसी दूसरे चैप्टर को, पुराने जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे।